सो है गाइस, स्वागत आपका एक बार फिर से आप ही के यूट्यूब चैनल में। और आज की इस वीडियो में बात करेंगे कोचिंग शिपयार्ड लिमिटेड को लेकर, मझगांव डॉक और गार्डनशिप बिल्डर्स। पिछले दिन भी इन शेयरों में गिरावट थी और आज फिर आप लोग देखोगे 3-3.5% के करीब जो ये शेयर फिसले हुए हैं। तो इस गिरावट के पीछे रीजन क्या है, सभी के मन में एक ही डाउट है, आखिरकार क्यों ये शेयर टूट रहे हैं। तो गिरावट के पीछे देखो भी सबसे बड़ी बात तो मैं आपको बता दूं, कुछ एक रूमर्स जो यानी कि अफवाहें हमें मार्केट में देखने को मिली थी अभी पीछे, कि जो शिपिंग कॉरपोरेशन है उसमें आपने देखा होगा 20% का सर्किट आया था। कि मार्केट में क्या खबर थी कि वो जो कंपनी है ऑयल कंपनी के साथ जो ना जॉइंट वेंचर कर रही है, जिसके कारण जो शेयर वो चढ़ा। लेकिन जब मार्केट के बाद जो अभी कंपनी की तरफ से नोटिस आया, ठीक है, कि ऐसा कुछ भी नहीं, क्लेरिफिकेशन दिया उस न्यूज़ के ऊपर कि हमें ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं, ये सब अफवाहें फैल रही है मार्केट में, तो उसके बाद वो शेयर भी गिरावट में है। तो ऐसी रूमर्स आएंगे मार्केट में या शिपिंग सेक्टर के लिए तो वो एक पॉजिटिव मानी जाती है। इसके साथ आप लोग देखो कि ये जो शेयर है भाई, इन शेयरों ने अभी लाइफ हाई बनाए थे, ठीक है, पीछे बहुत शानदार रैली, और एक महीने की मैं बात करूँ तो 80% शेयर उछले हैं। तो 80% शेयर उछले हैं और उसके बाद 20% के आसपास अगर ये शेयर नीचे आ जाते हैं तो इसे मैं गिरावट नहीं कहूँगा भाई, बिल्कुल भी नहीं कहने वाले, क्योंकि पीछे इन शेयरों में जो रैली बनी है वो सभी ने देखी होगी और आगे भी डिफेंस सेक्टर को लेकर बहुत ज़्यादा मजबूती हमें देखने को मिल रही है। तो 15-20% अगर ये डाउन आते हैं उसके कारण आप लोग देखो भी SIP स्टार्ट करना आई थिंक सबसे बेस्ट रहेगा, यानी कि एक एक शेयर भी लेते रहो, ठीक है, एक एक शेयर, दो दो शेयर, जो आपसी आपकी कैपेसिटी है उसके हिसाब से भी। हर 5% की गिरावट पर मैंने एक शेयर लेना है, हर 5% की गिरावट पर मैंने GRSE के 2 शेयर लेने हैं, मझगांव डॉक का 2 लेना है, 1 लेना है, या फिर आप लोग देखोगे ये जो कोचिंग शिपयार्ड है इसका मेरे को 1 शेयर लेना है। तो इस प्रकार से आपकी स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। तो आगे के सपोर्ट वगैरह क्या रहेंगे वो मैं आपको दिखा देता हूँ भी। यहाँ पर देखोगे जो शेयर है अपने हाई से जो ना भी फिसला है, ठीक है, बट कोई नहीं, भी थोड़ा बहुत अगर ये गिरावट में बने तो कोई बड़ी बात नहीं है। ये शेयर चले हैं, अच्छे चले हैं, ऐसा नहीं चले, अच्छे चले हैं, और पिछले 6 महीने में इन शेयरों ने 250% के रिटर्न दिए हैं भाई, कोचिंग शिपयार्ड अकेली और मझगांव डॉक और गार्डनशिप बिल्डर्स ने भी अच्छे रिटर्न दिए। तो चलिए आप देख लेते हैं इनके चार्ट। तो यहाँ पर देखो भी शिपिंग कॉरपोरेशन को लेकर जो खबर थी वो ये थी कि जो कंपनी है वो ऑयल फर्म्स के साथ जो ना भी एक जॉइंट वेंचर करने जा रही है तो उसको डिनाई कर दिया, यानी कि उसको नकार दिया कंपनी ने। शेयर कंटिन्यू रैली टू रिकॉर्ड, तो शेयर में पीछे रैली बनी थी लेकिन अभी के टाइम जो शेयर ऊपर से फिसल रहा है। तो इसी बीच आप लोग देखोगे भी और क्या कुछ हमें देखने को मिल सकता है। द स्टॉक वॉज ऑल्सो सपोर्टेड बाय रिपोर्ट्स दैट द गवर्नमेंट बाय अनाउंस द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड ड्यूरिंग द बजट टू सपोर्ट द शिपिंग सेक्टर। तो शिपिंग सेक्टर के लिए जो है भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट करेगा ये बजट के दौरान, अगर गवर्नमेंट मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड का जो है भी अनाउंस करती है, फिर यहाँ पर जो है भी अच्छा कुछ कहती है। तो इससे क्या होगा भी, आप लोग देखोगे जो हमारी शिपिंग सेक्टर है उसको बहुत ज़्यादा मजबूती मिलेगी। तो इसीलिए आपको जो है भी थोड़ा सा फोकस करना चाहिए शिपिंग सेक्टर के ऊपर। तो चलिए अब देख लेते हैं इनके चार्ट। तो यहाँ पर देखोगे भी जब हमें इसमें ब्रेकआउट देखने को मिला था तो हमारे जो 2 टारगेट थे वो हमें स्टॉक दिखाते हुए नजर आया था भाई। ब्रेकआउट के बाद 2842 और 2900 रुपये के हमारे 2 टारगेट थे, दोनों के दोनों अचीव हुए थे प्रीवियस में, आपने देखे होंगे, ठीक है। यहाँ से ये एक फ्लैग पैटर्न और उसके बाद इसका ब्रेकआउट यहाँ पर आया और ये लेवल हमें देखने को मिले, लेकिन अभी के टाइम जो शेयर फिर से ऊपर से फिसला है भाई, ठीक है, और 2 दिन से लगातार गिरी रहे। तो अभी के टाइम जो सपोर्ट रहेगा नीचे में 2678 शॉर्ट टर्म वालों के लिए, और जो लॉन्ग टर्म वाले भाई हैं उन्हें तो भाई पता ही है कैसे चलना कैसे नहीं शेयर के साथ। तो चलिए अब देखते हैं सेकेंड। सेम आपको मझगांव में देखने को मिला, ब्रेकआउट आए और ब्रेकआउट के बाद जो हमारे 2 टारगेट थे, पहला भी 5655 अचीव हुआ, सेकंड था भी हमारा 5835 के आसपास शेयर गया लेकिन ऊपर में कट नहीं कर पाया, ऊपर से फिसला है भाई। आप लोग देखोगे अब 2 दिन से जो शेयर है वो फिसल रहा है। अब नीचे में सपोर्ट क्या रहेगा, जिसको ज़्यादा रिस्क नहीं लेना है, 5299 यानी 5300 रुपये के आसपास का, और सेकंड सपोर्ट अभी 5100 का। तो ये 2 सपोर्ट है, इनके ऊपर आपको फोकस करना चाहिए। अगर लॉन्ग टर्म निवेशक हो तो होल्ड कीजिए, कोई बड़ी बात नहीं है, अभी के टाइम ये गिरावट नहीं है, ये समझिए अगर स्टॉक ऊपर से 10-15% नीचे जा रहा है, ठीक है, 15% आ रहा है, 20% आ रहा है, आपको अपने रिस्क मैनेज के हिसाब से SIP करनी चाहिए। अगला शेयर है GRSE, सेम चार्ट पैटर्न इसमें भी बना भाई, ब्रेकआउट आया, ब्रेकआउट के बाद जो टारगेट था हमारा लगभग 2660 वो यहाँ पर देखने को मिला, अचीव हुआ, सेकंड टारगेट 2922 के आसपास है, वहाँ तक तो स्टॉक
नहीं गया है, लेकिन पहला टारगेट अचीव हुआ और उसके बाद जो शेयर ऊपर से फिसल रहा है अभी के टाइम। तो नीचे में सपोर्ट क्या रहेगा 2452, ये शॉर्ट टर्म वालों के लिए जो ज़्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते, ठीक है। और रही बात तो देखो भाई लॉन्ग टर्म वाले हैं उन्हें कोई दिक्कत नहीं, अगर शेयर ऊपर से 15-20% डाउन आए 20% तो वो फ्रेश एंट्री के हिसाब से ठीक रहेगा। अब यहाँ पर देखो भाई कोचिंग जो शिपिंग कॉरपोरेशन है इस शेयर में बड़ी रैली बनी थी, आपने देखा भी होगा, ठीक है, बड़ी रैली बनी, उसके बाद जो है अगले दिन भी एक अच्छी खासी गैप अप ओपनिंग हुई और ऊपर में जो शेयर है ये 375 के भी ऊपर में निकला। तो उसके बाद आप लोग देखोगे आज जो शेयर है वो 5% के करीब फिसला हुआ है, तो ये प्रॉफिट बुकिंग, ठीक है। दूसरा आप लोग देखोगे जो इन्होंने अपना क्लेरिफिकेशन दिया न्यूज़ को लेकर, उसकी वजह से जो है स्टॉक के ऊपर दबाव है। तो अभी के टाइम अगर मैं बात करूँ सपोर्ट की यहाँ पर, तो सपोर्ट हमें जो देखने को मिल सकता है इसके अंदर, वैसे स्टॉक सपोर्ट के आसपास भी 330 के आसपास का सपोर्ट है इसका। और बाकी बात करें तो अगला जो सपोर्ट रहेगा नीचे में वो इस कैंडल के नीचे में बनेगा भाई, जो कि लगभग 278 का है। तो इतना लंबा तो अगर ये शेयर आता डाउन तो इसमें भी जो ना भी लॉन्ग टर्म वालों के लिए मौके बनेंगे। अगला देखोगे भी द ग्रेट शिपिंग्स, यानी कि इस शेयर में भी हमें गिरावट देखने को मिली, अभी हाई बनाने के बाद जो शेयर है वो फिसला है और अब तक जो शेयर फिसल चुका है वो कितना है भाई, लगभग आपको मैं दिखा देता हूँ, हाई से जो शेयर है वो 10% आ गया है डाउन, ठीक है, 10% के करीब डाउन आ गया ना अभी के टाइम देखोगे, 10% के करीब जो शेयर है वो फिसल चुका है। और सपोर्ट की बात करें तो 1334 के आसपास का सपोर्ट है। लॉन्ग टर्म वाले हो तो भी अभी यहाँ पर ठीक है होल्डिंग रखना, क्योंकि स्टॉक एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के अंदर अभी भी हमें दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन शॉर्ट टर्म वाले हैं तो उनके लिए सपोर्ट पर काम करना चाहिए। इसके अलावा कुछ पूछना कमेंट में पूछ सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि इन शेयरों के रिगार्डिंग कोई भी खबर आपसे मिस ना हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।